dear student, welcome back. This is me, Shahzad. And it's now right here at right time, at right place. Today, I'm here with new topic. And before introduce my topic, I would like to ask few questions from all of you. Listen. जैसे कि हम किसी को बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूं. I am happy. जैसे वो एक अच्छा लड़का है. He is a good boy. Okay? जैसे मैं बिजी हूं, आई एम बिजी. ये जितने भी सेंटेंस मैंने जो इस्तेमाल किया, ये क्या है? स्टेटमेंट. क्या है? स्टेटमेंट. आज इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को नरेशन पढ़ाऊंगा, जिसका मतलब क्या होता है? कथन होता है. और ये कथन क्या होता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो चलते हैं. सबसे पहले जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है, नरेशन, और इसका मतलब क्या होता है? कथन होता है. आज उस कथन के माध्यम से हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए. और बेसिकली ये प्लस टू में अक्सर पूछा जाता है. चलो, ये बच्चे के डिमांड पे ही मैंने ये टॉपिक लेके आया है. और ये टॉपिक थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है. आप क्या करें, पूरे वीडियो को देखें और अंत तक बने हुए रहें. ओके, सो यहां पे जैसा कि एक सेंटेंस मैंने दिया है, ही सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. वो मुझसे कहता है कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं. सबसे पहला यहां पे सेंटेंस को देखते हैं, इसमें दो क्लॉज है, दो सेंटेंस है. इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ये क्या है? सब्जेक्ट है. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. इनका भी अपना क्या है? सब्जेक्ट है. और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट. गॉट इट? लेकिन यहां पे आप चार इंसान ना समझें. हमेशा बातें कितने इंसान के बीच होती है? 2% के बाद, मतलब 2% के साथ ही बात होती है, चाहे वो फर्स्ट सेकेंड हो, थर्ड ईयर फर्स्ट हो सकता है. तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना यहाँ पे, तो यही इंसान यहाँ पे वही है. यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो आई है, ये कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, यही इंसान बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले जान जाए कि ये पहला जो सेंटेंस है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब. अब याद कर लें कि पहला सेंटेंस को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. और ये दूसरे सेंटेंस का नाम है, सेकेंड में जो है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. गॉट इट? और इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं, इसको आरवी से और इसको आरएस से. गॉट इट? तो पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. और सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं. ये सेंटेंस आपको, इसका अपना सब्जेक्ट है. अब यहां पे करना है क्या कि इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स है. जब तक आप रूल्स आपको समझ में आएगा नहीं, तब तक आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम इसको कैसे बनाएंगे. मैं अगर मिसाल के तौर पर इसको बनाना चाहूं यहाँ पे, तो मैं यहां बना देता हूं आपको. जैसे ये सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी. अब यहां बोलेंगे ये सेज टेल्स कैसे हो गया, तो मैं आगे आपको बताऊंगा यहाँ पे. ही टेल्स मी, अब यहां पे इन्वर्टेड कोमा है, उसके बदले में हंड्रेड लगाया है. फिर यहां पे क्या है? यहां मैंने लगा दिया ही. अब स्ट्रिंग ही कैसे लगा है वो मैं आगे बताऊंगा. फिलहाल मैं बना लेता हूं उसको पहले, दैट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. क्या बन गया? ही टेल्स मी दैट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. वो मुझसे कहता है कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ बोलने का अंदाज बदल जाता है इसमें. अब यहां इसी को सॉर्ट करते हैं. यहां की सर, यहां टेल्स कैसे आया, यहां पे डेट क्यों लगा, यहां पे आई के बदले ही क्यों आया है ना, यहां इस लगा, इस तरह से मैं आपको आगे रूल्स बताऊंगा, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. तो अब याद रखें कि इसका जो रूल्स हो ना, मेन दो रूल्स होता है. एक तो होता है जेनरल रूल्स. जेनरल रूल्स और एक होता है स्पेशल रूल्स. स्पेशल रूल्स किसी खास में लागू होता है, और जनरल रूल सभी में लागू होता है. ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. अब यहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या दो मेजर रूल है, अब हम जनरल रूल्स को कैटेगराइज करते हैं. जनरल रूल्स तीन तरह से होता है. नंबर एक, सबसे पहले आप जानेंगे, सबसे पहले क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन. चेंज ऑफ पर्सन. उसके बाद क्या होता है? चेंज ऑफ टेंसेस. उसके बाद है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच.
अरे बात समझ लें, सबसे पहले समझ लें रूल्स कितना, दो है, एक क्या है जेनरलूस और दूसरा क्या है स्पेशल रूल्स। और जेनरलूस कितने प्रकार का है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, इसको बारीकी से समझे। बच्चे अक्सर जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करते हैं इससे काफी कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चा सोचता है सर ये समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट ये चैप्टर है। आई एम टेलिंग यू इट इज वन ऑफ माई फेवरेट ग्रामर चैप्टर, दैट इज नरेशन। इसलिए आप इसको बारीकी से देखिए और इंशाल्लाह दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले समझते हैं इसको, ये चेंज ऑफ पर्सन क्या है, इसको कैसे यहाँ पे मैंने आई को ही में कन्वर्ट कर दिया है। जब आपको चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ हाईलाइट करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, ओके। इसके लिए फॉर्मूला आता है, यह फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं 1 2 3 और ये S O N। अब ये 1 2 3 S O N बहुत तो फेमस फॉर्मूला है, तो नरेशन का थोड़ा सा भी जिसको एबीसी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये समझना है और करना कुछ भी नहीं कि ये कैसे चेंज होता है, मेन चेंज करने के लिए सीखना है, ओके। सबसे पहले बता दूं कि ये वन जो है ना ये किसको शो करता है, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और ये टू जो है इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और ये थर्ड जो है इसका मतलब नो चेंज, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें से आपको दो ही पर्सन चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ओके। ये हम इसकी बात करते हैं जब ये मेरा स्टेटमेंट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसी को चेंज करने के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ओके। यही स्टेटमेंट है, यही कथन है ना, जब इसको इस पर्सन को, ये पर्सन को चेंज करना है यहाँ के पर्सन को देखते हुए, ये रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच जो है आपके रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए चेंज होता है। यहीं से डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा पर्सन आने वाला है और उसके साथ क्या टेंसेस आने वाले, उसके साथ क्या कीवर्ड्स आने वाले हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ फिलहाल आपको बता दूं मैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई ये जो है ये चेंज नहीं होता है। अब ये एस जो है एस एंड सन, ये एस बराबर होता है सब्जेक्ट को शो करते हैं, दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं, और ओ बराबर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और एन बराबर क्या होता है ये नो चेंज, ये इंडिकेट कर दिया कि ये चेंज नहीं होता है, गॉट इट। ये तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। चेंज करते कैसे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हाउ टू चेंज द पर्सन, ठीक है। अब ये सीखना है आपको, तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं यहीं पे। जैसे ये सेंटेंस उसी से रिलेटेड मैं लेता हूं, ही सेज टू मी, ठीक है, आई एम बिजी, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो मुझसे कहता है कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, मैं मसरूफ हूं, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये सेंटेंस को आप क्या करें, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये सेज है ना, सेज के बाद क्या है टू है, तो जब भी सेज के बाद है ना आपको क्या है टू है, टू का मतलब साथ ही वो क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपको क्या करना है फर्स्ट से उसको कन्वर्ट कर देना है टेल, V5 लगना है इसमें, इससे क्या कैंसिल हो गया और मी एग्जेक्ट आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के बदले में आपको क्या यूज करना है, डेडोमेट्रिक बता दूंगा अभी, हम सोल्व करते हैं। उसके बाद क्या लगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले, इसके बदले में यहाँ क्या लगा डेट लगा। अब ये पर्सन की बात है, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला जो बता रहा हूं आपको ना, ये पर्सन कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान देना है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ क्या बोलना है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से हुआ, सब्जेक्ट का, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपको दिमाग में रखना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच, इसके पर्सन को चेंज करेंगे इसके पर्सन को देखते हुए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया भी है, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन क्या है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से यह क्या आया है, ये ही बन गया, आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में कन्वर्ट हो गया। मैं एक चीज बता दूं कि नंबर और केस में चेंजिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पर्सन को चेंज करना है, जैसा केस रहेगा वैसा ही केस रहेगा। अगर पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही रखना है आपको, सिर्फ पर्सन चेंज करना है, केसेस और नंबर चेंज नहीं करना है सिंगुलर पीरियड में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है आपको, ओके। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं मी का क्या होगा, दैट लग गया है ना, ये आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट के हिसाब से यह क्या है ही, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ही लगा देंगे। अब मैं बता दूं यहाँ चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर में हो तो चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होना, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, इजी लगेगा, वहां वास करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा बिजी को बिजी रहने देते हैं,
ये इस तरह से बन गया, he tells me that he is busy, वो मुझसे कहता है वो बिजी है, got it? तो ये मैंने आपको समझाया इसलिए कि ये change of person के लिए, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, इसको बनाते कैसे कैसे है, उसका मैं कुछ आपको चार ट्रिक बताऊंगा, वो चारों ट्रिक में आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि इसको बनाते कैसे है। another look, अब आपको ट्रिक में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या रहे से के बाद क्या उसमें प्लस टू जुड़ा है, क्या रहे प्लस टू मतलब टू है, तो इसमें आपको करना क्या है, इस से टू बदल जाएगा किसमें, टेन में बदल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आगे में बताता इस सेंटेंस में, ये ही सेज टू है ना, तो किसमें जाता है टेन में बदल जाता है। ओके, अब यहां पे दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब स्टेटमेंट आपका उसमें इन्वर्टेड कॉमा बंद हो, जैसे यहां पे है ना आई एम बेस्ट फ्रेंड, क्या इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे आपको यूज करना है डैट यूज करना है, अभी करके दिखाता हूं मैं अभी, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में जब आएंगे तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। और भी अब यहां आगे देखते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड क्लॉज क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो परजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो परजेंट और फ्यूचर में हो, आपको करना क्या है, किसको कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर परजेंट या फ्यूचर में हो तो नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज टेंसेस। ओके, उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, इसमें जो नंबर है, नंबर मतलब सिंगुलर हो या प्लुरल हो, नंबर एंड केस, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर पोजेसिव केस हो, वो बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको चेंज करके रखना है, नंबर एंड केस कांट बी चेंज। कांट बी चेंज, ओके, ये चार पॉइंट आपको ट्रिक पे याद रखना है। एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं, से के बाद अगर टू हो तो वो किससे बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले में, किसके बदले में, इन्वर्टेड कोमा के बदले में डेट का यूज करना है, कब, जब आपका स्टेटमेंट किसमें हो असर्टिव हो, क्या हो असर्टिव, असर्टिव की पहचान क्या है, वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, गॉट इट। आगे क्या है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब परजेंट या फ्यूचर में हो तो आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके बाद क्या है नंबर और केस कांट बी चेंज, जैसा कि अगर आपका सब्जेक्टिव केस क्या है आई है, ठीक है, अगर मुझे चेंज करना भी है तो वो उसी का सब्जेक्ट केस ही आ गया, जैसे आई का तीन फॉर्म होता है, क्या करेंगे आई माई मी, ओके, उसके बाद इसका प्लुरल लेते हैं, उसका क्या होता है आर, उसके बाद अस, यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है यू। अब यहां पे देखते हैं ही का क्या होगा हीज, और यहां पे हो जाएगा हिम, उसके बाद शी का हर हो जाएगा, इट का हो जाएगा यहां पे इट्स, और यहां पे इट होगा, और इन सब का प्लुरल क्या होता है दे का यहां पे कर देंगे देयर, और यहां पे देम कर देंगे। ओके, तो ये कहता था नंबर एंड केसेस था, ये कभी चेंज नहीं होगा, पर्सन जैसा होगा आपको वैसा ही रखना है। अब आगे मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको जब समझाऊंगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ ये जहन में रखना है, गॉट इट। आगे चलिए सॉल्व करते हैं यहां पे कुछ सेंटेंस देकर के। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस दे दूं, ही सेज टू मी यू आर हैप्पी, वो मुझसे कहता है तुम खुश हो, वो मुझसे कहता है तुम खुश हो, तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यहां पे देखते हैं क्या करते हैं आगे, यहां पर कैसे बनाते हैं, आप साथ दिमाग लगाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ही आ जाएगा, अब यहां पे सेज के बाद क्या है टू है, तो ऑटोमेटिकली ये किस में जाएगा टेल में, और ये वी फाइव लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, टेल्स हो गया, उसके बाद मी लगा देंगे, और इन्वर्टेड कोमा के बदले में आपको क्या करना है डेट का यूज करना है। चलिए लगा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी समझ में पेन ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा कि उसमें क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगाना है, और से के बाद अगर टू है तो मुझे क्या करना है, ठीक है, शुरुआती में दिक्कत हो सकती है बट इट इज नॉट अ बिग इश्यूज।
ठीक है, he tells me that. अब यहाँ पे आपको पर्सन से मुलाकात होती है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड. सबसे ज्यादा बच्चे अगर कंफ्यूज करते हैं ना, वो चेंज ऑफ पर्सन में ही करते हैं. ठीक है, तो आपको ये रखना है कि सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन क्या है, फर्स्ट से आपको दिमाग रखना है क्या सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से. पहले फर्स्ट पर्सन सभी के हिसाब से, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज. दो ही पर्सन तो चेंज करना है, इतना कंफ्यूज भी नहीं करना है. ओके, तो ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन आपको पास में ही मिल जाएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का. देखिए फर्स्ट पर्सन होता था यहाँ आता, ठीक है, सेकंड पर्सन हमेशा नजदीक मिलेगा, सेकंड पर्सन क्या है मी. अब यहाँ पे आपको मी नहीं रखना है, यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है. ये मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, या माई भी ना लगाए मी भी ना लगाए, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव केस लगाना, जैसा केस है वैसा ही लगाना है, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन करना है. ठीक है, केस और नंबर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. ओके, ही टेल्स मी दैट, और सेकंड पर्सन यहाँ क्या है मी, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इसे क्या बोलता है, अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो नो चेंज ऑफ टेंसेस. इसलिए सिंपली आपको इस आइटम को पास वर्ब नहीं करना है, आई के साथ आपको एम लगा देना है, कुछ भी नहीं करना, आई एम हैप्पी. गॉट इट, अभी कंप्लीट बन गया. ही सेज टू मी यू आर हैप्पी, क्या हो गया, ही टेल्स मी दैट आई एम हैप्पी, यही यानी ही सेज टू मी यू आर हैप्पी. ये किससे, सामने वाले से पूछते हैं, तुम खुश हो, ठीक है, ये पूछ रहा है इससे, दो इंसान बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, दो इंसान बात कर रहा है, सेकंड पर्सन पूछ रहा है तुम खुश हो, तो क्या बोला, ही टेल्स मी दैट आई एम हैप्पी, ये मेरे बारे में पूछ रहा है, सेकंड पर्सन हो गया. ओके, चलिए आगे कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट हो तो फिर चेंज ऑफ टेंस तो बनता है, तो इसलिए आपको क्या करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस में आपको आज बता देता हूं. तो चलिए आप क्या करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस पे ध्यान देते हैं यहाँ पे, और ये इसका बहुत आसान तरीका, आपको 12 टेंस याद नहीं करना है, कि चार सिंपल प्रेजेंट का, चार प्रेजेंट का याद करना है, चार पास्ट का, चार फ्यूचर का, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है. बिल्कुल मैं सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप इसको चेंज ऑफ टेंसेस कैसे याद कर सकते हैं, और आसानी से कैसे सेव. अब तक आपने जो एग्जाम्पल देखा उसमें चेंज ऑफ टेंसेस नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, प्रेजेंट में था. ओके, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में, तो आप ऐसे कंडीशन में चेंज ऑफ टेंसेस नहीं करना है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, चेंज ऑफ टेंसेस होना है. तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आसानी से मैं ट्रिकिया बता रहा हूँ. ओके, तो चेंज ऑफ टेंसेज में सबसे पहले अगर आप नाम सुने होंगे, मैंने टेंस पढ़ाया था, अगर क्या हो सिंपल प्रेजेंट हो, क्या हो सिंपल प्रेजेंट हो, ये मोटी मोटी बात आपको सिर्फ याद रखना है. अगर सिंपल प्रेजेंट हो, जैसे मैं आई गो है ना, ही कम्स है, शी लव्स है, इस टाइप का सेंटेंस अगर हो तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मान लें इसको आप, और जब इनडायरेक्ट आपको करना है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको क्या कर देना है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को चेंज कर देना है सिंपल पास्ट में. मिसाल के तौर पर अगर इसमें क्या आई गो है तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वेंट हो जाएगा, पर्सन जो भी हो, लेकिन सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. अगर आपके पास क्या हो, अगर सिंपल पास्ट हो, क्या हो, अगर डायरेक्ट में अगर आप सिंपल पास्ट है तब क्या करेंगे, चाहे वो सिंपल पास्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, सुन पा रहे हैं आप, जो किस में क्या होता है, होता प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है. अब यहां पे देखिए कि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, जिसमें आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू मिलता है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या फिर वी फाइव, इसी से ये जाना जाता है. और सिंपल पास्ट में क्या, सब्जेक्ट प्लस वी टू, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या मिलता है, हैव, हैज प्लस इसमें क्या है वी थ्री है, और पास्ट परफेक्ट में क्या हैड प्लस वी थ्री है. गॉट इट, ये तो बेसिक चीजें जो आपने टेंस में पढ़ा है इसमें, ठीक है. तो ये मैं बताता हूं, अब ये सिंपल पास्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट, ये तीनों जाके जो चेंज होगा ना वो एक ही चीज में जाएगा, वो किस में जाएगा आपको पता है, मैं आपको बता देता हूं, वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. आपको कैसे याद रखना है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली हैड प्लस वी थ्री लगा देना है, हैड प्लस वी थ्री. अरे बस में एक बार फिर समझ ले, अगर इस सेंटेंस में क्या है, आई वेंट है, क्या है, आई वेंट, तो क्या हो जाएगा, आई हैड गोन हो जाएगा. जैसे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट. अगर रहेगा ऑलरेडी आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वो चेंज तो होना नहीं है, इसलिए क्या कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट भी सेम टू सेम, हैड प्लस वी थ्री, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट का आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट. गॉट इट. अगर कहने का मतलब यह है कि अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दे, और सिंपल पास्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो ये आपको क्या करना है, हेड प्लस वी थ्री आपको इनडायरेक्ट में जोड़ देना है. गॉट इट. अब तो ये थी टेंस की बात. अगर मैं इसको कुछ कीवर्ड के माध्यम से समझाऊं तो आप बोल सकते हैं, जैसे अगर आपके पास क्या रहेगा, इज एम आर रहेगा,
जैसे एक सेंटेंस में क्या है, आई एम हैप्पी, शी इज हैप्पी, है ना, यू आर हैप्पी, ये अगर रहेगा तो आपको इनडायरेक्ट में क्या कर देना है, आपको लगा देना है इसमें वाज वर्ड लगा देना है। इस आइडियम किसमें चेंज हो जाएगा, वाज वर्ड में चेंज हो जाएगा। अगर वाज वर्ड हो, क्या हो, अगर आपके पास पहले से वाज वर्ड प्रेजेंट हो सेंटेंस में तो फिर आप क्या करेंगे, अगर वाज वर्ड हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको हैड बीन कर देना है, क्या कर देना है, हैड बीन। मिसाल के तौर पर जैसे बोलेंगे आई वॉज बिजी तो वो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन बिजी हो जाएगा, यू आर बिजी तो क्या करेंगे, यू आर बिजी कर देंगे। अब जैसे बोलेंगे यहां पे यू आर बिजी तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन बिजी। अब अगर आपके पास क्या हो, हैव हैज प्लस बीन, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो, हैड प्लस बीन, तो ये तीनों भी सेम टू सेम क्या होगा, हैड प्लस बीन में चला जाएगा। आई वॉज समझ में, एक बार फिर मैं समझाता हूं इसको, अगर आपके पास क्या हो, इज आई एम हो तो वाज वर्ब में चला जाएगा, अगर वाज वर्ब हो तो किस में जाएगा, हैड बीन में, अगर हैव या हैज प्लस बीन जाएगा तो ये भी किस में, हैड बीन में, और हैड बीन ऑलरेडी उसी में चला जाएगा, किस में, हैड बीन में चला जाएगा। तो आपको एक ट्रिक कितना याद रखना है चेंज ऑफ टेंसेस में, एक तो ये सिंपल वाली बात याद रखना है, और ये तीनों का जो किया है कॉमन में, ठीक है, उसके बाद इज आईडियम किया है, ठीक है, वाज वर्ब, और ये तीनों का सेम कॉमन किया है, ये एक ट्रिक याद रखना है, इससे आपको क्या होगा, आपको टेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी भी देखिए फ्यूचर बचा हुआ है, तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, सिंपल करना कुछ भी नहीं आपको उसमें, ठीक है, शेल हो या शुड हो, शेल हो या विल हो, इनफैक्ट, ठीक है, तो इसको आपको करना कुछ भी नहीं है, शेल को किस में चेंज कर देंगे, शुड में कर देंगे, फ्यूचर का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, शेल शुड में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये इसका दूसरा नाम मॉडल वर्ब भी है, इसलिए कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मैन होगा तो माइट हो जाएगा, वो आगे मैं एक्सप्रेशन बताऊंगा मॉडल वर्ब के थ्रू, ओके, लेकिन फिलहाल आप ये टेंस का फ्यूचर चेंज ऑफ टेंसेज जो है ना, ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 12 टेंस लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना करने की कुछ भी जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको के लिए क्या रखना है, क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर देना है, और सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को एक ही में जाएगा पास्ट परफेक्ट कर देना है, और इस आईएम को वाज वर्ब में कर देना है चेंज, और उसके बाद वाज वर्ब, हैव हैज हैड बीन और हैड बीन को तीनों में एक ही में चेंज करना है, हैड बीन, शेल को शुड में करना है, और विल को वुड में करना है, ये सारी चीजें तभी करना है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, गॉट इट। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, उसके बाद फिर ये सारी चीजें उसे फिर लागू करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या हो, चेंज ऑफ पर्सन भी हो और चेंज ऑफ टेंसेस भी हो। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कर देता हूं, ही सेड टू मी, इससे पहले क्या पढ़े थे, ही सेज पढ़े थे, अब जाकर इसको पास्ट कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि चेंज ऑफ टेंसेस होना है, ही सेड टू मी आई एम बिजी। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, अब यहां सेड के बाद क्या है, टू है, तो क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी। अब जैसा कि जानते हैं कि इनवर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगेगा, आपको डैट लगाना है, ठीक है, अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको ये दूर में मिलेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आपको ही रखना है, क्योंकि ये क्या रखना है, सब्जेक्ट के रखना है, डैट लगा दिए। अब यहाँ पे पास्ट है, तो इस आदमी का पास्ट क्या पढ़ा, चेंज ऑफ टेंसेस में वाज वर्ड के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, ही वाज बिजी हो गया, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ही, मैं आसान लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ही सेड टू मी, ठीक है, आई वॉज बिजी, उसने मुझसे कहा कि मैं बेस्ट था, मसरूफ था, तो क्या करेंगे, सिंपल यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं, ही टोल्ड कर दिया, ठीक है, ही टोल्ड मी कर दिया, इनवर्टेड कॉमा के बदले में, यहां तक आप आसानी से कर दिया, आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। अब यहाँ का फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां है, यहां दूर में जाएगा, यहां मिलेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए वाज वर्ब किसमें चेंज होगा, अभी मैंने बताया, तो क्या होगा, वो हैड बीन, तो ही के साथ अब क्या लगा दे, इसके बदले में हैड बीन लगा दे, क्योंकि वाज वर्ब किसमें चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा, बिजी इसको एड कर दे, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलू सी सेड टू यू, ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, आई लाइक हिम, उसने मुझसे कहा, वो उसने तुमसे कहा, ठीक है, सी सेड टू यू आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यहां पे सी के साथ क्या कर दिए, टोल्ड कर दिए, और यहां पे यू लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, इनवर्टेड कॉमा के बदले में
डेट लगा दिए। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ पे आपको सी लगाना है, गॉट इट। तो क्या होगा, सी टोल्ड यू दैट शी, और ये सिंपल पर्सन है ना, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पर्सन चेंज हो सिंपल पास, तो क्या हो जाएगा सी लाइक, और ये कौन सा है हिम, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो क्या हो जाएगा शी टोल्ड यू दैट सी लाइक हर, है ना, उसने तुमसे कहा कि वो उसको पसंद की थी, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लू, जैसे माय पापा सेड टू मी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मेरे पापा उससे बोले कि मैं नाश्ता कर चुका हूं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, आप आराम से बनाएं, माय पापा टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा के बदले में डैड लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में क्या पापा, तो उसके लिए क्या रखेंगे ही रखेंगे, ही, अब हैव्स का पास क्या होता है हैड लगाएंगे, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट। चलिए और एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे ये फाइनल करता हूं आज का, मैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे। एक और मैं फाइनल बता देता हूं, जैसे दे सेड टू अस यू वॉन द मैच, वही हम लोग से बोले कि आप लोग मैच, आप लोगों ने मैच जीता, ठीक है, या जीत गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखो सेम कर देंगे, दे टोल्ड अस, ओके। अब इनवर्टेड कॉमा के बाद में क्या लगाएंगे, ब्रैकेट तो लगाएंगे ही, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कहां मिलेगा, नजदीक में सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, तो यहां आपको यहां बगल में बस अस को क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट केस, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट केस है, इसलिए अस ना करके क्या लगाना, आपको वी लगाना है, दे टोल्ड अस दैट वी। अब ये कौन सा केस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट मतलब हेड प्लस वी टू, किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, दैट मींस हेड प्लस वी थ्री, तो आपको हेड प्लस वी थ्री जोड़ दी इसमें, वी हैड वॉन द मैच, गॉट इट। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे नरेशन से रिलेटेड। तो देखा कि आपने आज नरेशन पढ़ा, जिसमें क्या पहला सेंटेंस क्या था, रिपोर्टिंग वर्ड, और दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच था। अब इसका भी अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, और इसका भी अपना सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है, गॉट इट। तो इसमें देखिए हम कि रूल्स जो है ना दो होता है, ये क्या होता है जनरल जो सभी में लागू होता है, और ये क्या होता है स्पेशल जो अभी आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा वो किसी खास में इंप्लीमेंट उसका होना है। तो जनरल में हमने दो चीज आज पढ़ी, उसका होता है कितना, तीन, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमने डिस्कस किया है, चेंज ऑफ टेंसेज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।